हमारे माता पिता परिवार का, तो आज उनका सपना पूरा हुआ। कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम करना है। मेरा दौर तो वही है जो 2002 में 2000 में था और 2023 में था। अब मंत्री बन चुके हैं तो मित्रों के साथ कैसे घुल मिल पर रहेंगे? तो छतरपुर में तो बहुत कम आना जाना रहेगा, तो चलना विधानसभा मेरी पहले प्राथमिकता है विकास के लिए। आपके पिताजी पार्षद हुआ करते थे और उसके बाद उनका एक सपना हुआ करता था कि मेरा बेटा एक दिन मंत्री बनेगा। मंत्री पद के बाद छतरपुर से दूरियां तो नहीं हो जाएंगी? और बहुत अच्छा होगा विकास, जो अभी तक नहीं हुआ जो बहुत अच्छा हो सकता वो होगा। 22 जनवरी को कुछ खास करने वाले हैं क्या चंदला? बहुत खास। आप मंत्री बन चुके हैं तो चंदला का किस तरीके से उद्धार होने वाला चंदला है? तो अब मेरा विधानसभा ही है। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई, हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूँ लोकेश चौरसिया। इस वक्त हमारे साथ नए वर्ष के उपलक्ष्य में छतरपुर से जो मंत्री बने हैं राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी, जिन्हें अब वन एवं पर्यावरण मंत्री का भी पद दिया गया है, तो उनसे खास मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि अगला कदम उनका क्या रहेगा और किस तरीके से राज्य मंत्री रहते हुए प्रदेश की कमान संभालेंगे। स्वागत है दिलीप जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई एवं नए वर्ष की भी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपको पहली बार विधायक बनाया है पार्टी ने और फिर एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री भी बना दिया गया है, तो अब किस तरीके से आगे की कमान होगी, क्या जिम्मेदारी? कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे राज्य मंत्री बनाया। निश्चित रूप से कार्यकर्ता भाव से जो हम पहले काम करते थे आज भी काम करेंगे, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व आदेश में अपने कैबिनेट मंत्री के निर्देश और आदेश में उनके साथ में मिलकर जो भी अच्छा हो सकता है वो काम करेंगे हम लोग। हम देखते हैं कि छतरपुर ज़िले में ज़्यादातर वन क्षेत्र की ज़मीनें आती हैं, जिसको लेकर राजस्व की मांग रहती है कि वो राजस्व विभाग में आ जाए, जिससे कि लोगों को आसानी हो, उसको लेकर क्या कदम? देखो, जो नियम में होगा, जो राजस्व विभाग जो अपने वन विभाग के नियम में होगा, निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बुंदेलखंड में जो अच्छा हो सकता है वन विभाग के माध्यम से और हमारे पर्यावरण के माध्यम से, तो वो सब अच्छा होगा। अब मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अच्छा से अच्छा हो। पर्यावरण को लेकर क्या पहल रहेगी, चूँकि पर्यावरण में एक मोदी जी की भी अहम भूमिका रहती है, आपको एक जिम्मेदारी भी मिली है, उसको लेकर अगले कदम क्या? प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पूरा देश के अंदर हम सब कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश और मार्गदर्शन में, प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम लोग करेंगे। जितने अच्छे से अच्छा बेहतर हो सकता है, हम छतरपुर जिले के लिए, बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए पर्यावरण में जितना अच्छा सुधार हो सकता है वो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे करने की। अब थोड़ा सा आपकी राजनीति की शुरुआत की बात करें, हमें ध्यान है हम आपके शायद संगी भी रहे हैं, 2000 से आपने राजनीति की शुरुआत की थी, तो उस समय कौन सा सबसे पहला बैनर था और फिर भाजपा में कैसे? देखिए, 2000 में जब मैंने प्रारंभ किया था तो शिवसेना एक हिंदू संगठन था, उसमें मैंने काम किया, आप भी उस समय जुड़े हुए थे। फिर 2004-5 साल तक मैंने शिवसेना में काम किया, फिर 2006 में मैं संघ में स्वयंसेवक के रूप में जुड़ा और संघ के स्वयंसेवक रूप में मैंने काम किया, धर्म जागरण के पदों पर भी मैं रहा। फिर 2006 से 2009 में मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का महामंत्री बना, फिर उसके एक साल के बाद लगातार मैं 6 साल तक मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा, फिर मेन बॉडी में जिला महामंत्री रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश महामंत्री भी रहा और अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष भी था। अब मुझे पार्टी ने विधायक बनाया है, मंत्री बनाया, तो मैं पार्टी का भी धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से जितना एक कार्यकर्ता भाव के रूप में मुझे होगा मैं निश्चित रूप से करूँगा। 23 साल के राजनीतिक कैरियर में हमने देखा है कि कई बार दिलीप अहिरवार कई पदों पर आसीन रहे, तो वो दौर कौन सा था जब 2000 में थे और आज जो स्थिति है उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या आगे अब प्लान रहेगा आपका? मेरा दौर तो वही है जो 2002 में था और 2023 में था। जैसे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने पूरे ज़िले के अंदर काम किया, अपनी विधानसभा में काम किया और आज मुझे मंत्री और विधायक बनाए तो भी मैं पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में कितना अच्छा कर सकता हूँ, ये कार्यकर्ता भाव के रूप में मैं काम करूँगा। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमें काम करना है, प्रदेश हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में हम सब काम करना है। जो ऊपर से मुझे आदेश होगा, निर्देश होगा, कार्यकर्ता के रूप में मैं पहले भी जो काम करता आज भी काम करूँगा। हमें ध्यान है कि आपके पिताजी पार्षद हुआ करते थे और उसके बाद उनका एक सपना हुआ करता था कि मेरा बेटा एक दिन मंत्री बनेगा, तो ये सपना कितना साकार हुआ था? निश्चित रूप से मेरे पिताजी राजनीति में रहे हैं, एक सामान्य राजनीति उन्होंने की है और सामान्य राजनीति करने के बाद फिर उन्होंने राजनीति से दूरियां बना ली थी 15-20 साल से, फिर वो राजनीति नहीं करते थे। शुरू शुरू में जब मैं बहुत छोटा था जब करते थे,
तो बड़ा उनका स्वभाव नेता नेताजी के नाम से उन्हें पुकारते थे, कुछ लोग प्यार से उन्हें दादा भी कहते थे। हम लोग भी पिताजी को दादा के नाम से जानते थे और हमारे छतरपुर ज़िले में समाज में उनका एक बड़ा नाम था। उन निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद आज मिला है हमारे माता पिता परिवार का, तो आज उनका सपना पूरा हुआ। उनकी वो चाहते थे कि हमारा बेटा बने, नेता बने, मंत्री बने, आज निश्चित रूप से पिता का आशीर्वाद पूरा हुआ। दिलीप अहिरवार के मित्रगण बहुत हैं, हम देखते हैं कि टोरिया मोहल्ला हो या शहर के अनेक क्षेत्रों से हो, आपका एक जो समुदाय है मित्रों का वो रहता है, तो अब मंत्री बन चुके हैं तो मित्रों के साथ कैसे घुल मिल पर रहेंगे? देखिए, जो मैं मित्र पहले भी था, आज भी बहुत से मित्र मेरे अगल बगल हैं और जो कल भी होगा वो भी रहेंगे। सामान्यतः मेरी जीवन है, मेरा सामान्य में कार्यकर्ता के रूप में पहले बताया, जैसे मैं पहला था आज भी रहूंगा। और इसका परिणाम आपने देखा कि अभी जब मैं आया था मंत्री बनने के, तो छतरपुर जिले के अंदर जिस तरीके से छतरपुर की जनता ने स्वागत किया, तो ये उनका स्नेह है। और जो मेरा व्यवहार लोगों से सामान्य तरीके से मिलना जुलना, मेरे दोस्त यार, जो मैंने श्री राम सेवा समिति में मैंने काम किया, हिंदू संगठनों में काम किया, सभी हिंदू संगठनों ने स्वागत किया, सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया, सभी सामाजिक संगठनों, तो ये व्यवहार है। और जो व्यवहार पहले है वो वैसा आज भी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी ना होने वाला है। आप मंत्री बन चुके हैं तो चंदला का किस तरीके से उद्धार होने वाला है? तो अब मेरा विधानसभा ही है और बहुत अच्छा होगा विकास, जो अभी तक नहीं हुआ, जो बहुत अच्छा हो सकता वो होगा। कहते हैं कि चंदला काफी दूर है, बैकवर्ड एरिया है, तो अब उसको किस तरीके से आगे लाना? मैंने निवास भी बना लिया ना, चंदला में रहूंगा मैं, तो निवास भी मेरा वहीं रहेगा, सब चीज वहीं रहेगा। मैं ऐसा थोड़ी, छतरपुर तो अभी शुरू बात है, जब तक निवास बना जब तक मैं छतरपुर में बहुत कम आना जाना रहेगा। अब चंदला ही मेरा आना जाना रहेगा और छतरपुर आऊँगा मुख्यालय के नाते, और बाकी भोपाल है, पूरे प्रदेश में घूमूंगा। तो चंदला विधानसभा मेरी पहले प्राथमिकता है विकास के लिए, फिर पूरा बुंदेलखंड, फिर मध्य प्रदेश रहेगी। मंत्री पद के बाद छतरपुर से दूरियां तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, छतरपुर मेरा अपना छतरपुर है, छतरपुर से दूरियां कैसे हो पाएंगी? मेरे अपने लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, जिनके साथ मैंने पूरे जीवन खेला है, मेरे पत्रकार साथी भी, आप सब लोग भी मित्र हैं। छतरपुर के एक एक व्यक्ति, चाहे कोई सामाजिक संगठन का हो, राजनीतिक, प्रत्येक व्यक्ति से मेरे संबंध है, तो निश्चित रूप से कभी मेरी दूरियां नहीं होगी छतरपुर। नए वर्ष के उपलक्ष्य में कोई नया संकल्प लेना चाहेंगे? अंग्रेजी नए वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को, बुंदेलखंड वासियों को, मध्य प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान श्री राम से कृपा करूंगा कि अंग्रेजी नए वर्ष में आप सभी का जीवन उज्ज्वल हो, सभी को बहुत अच्छा नया वर्ष गुजरे, यही कामना करूंगा। और हम लोगों को तो वैसे ही भगवान श्री राम की कृपा रहती है, भारतीय जनता पार्टी उनका आशीर्वाद है। 22 तारीख को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, सभी लोग अयोध्या चलें, छतरपुर ज़िला राममय हो 22 तारीख को, यही मैं आह्वान करना चाहूँगा पूरे छतरपुर ज़िले, पूरे बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश के लोग। आपका अयोध्या जाना कब होगा? मैं तो देखो अयोध्या नहीं, मैं चंदला में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, मैं लगभग मेरी बहुत बड़ी तैयारी है। शीघ्र पत्रकारों के साथ मैं एक पत्रकार वार्ता भी करना चाहता हूँ, मेरा पत्रकार वार्ता ही नहीं, मेरे पत्रकारों के साथ एक भोजन है, सभी पत्रकार मेरे मित्र हैं, तो बहुत जल्दी भोपाल से आता हूँ, छतरपुर ज़िले के सब पत्रकारों के साथ एक बार मेरा भोजन होगा, वो पत्रकारता नहीं, स्वजन भेंट होगी पत्रकारों के साथ। 22 जनवरी को कुछ खास करने वाले हैं क्या चंदला? बहुत खास, शीघ्र बताता हूँ, शीघ्र बताता हूँ, बहुत बड़ी तैयारी है, भगवान राम की बहुत बड़ी तैयारी। चलिए, तो इस तरीके से राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए बताया कि किस तरीके से उनका अगला कदम होगा और मध्य प्रदेश में वो एक उभर के नेता के रूप में आए हैं, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से दिलीप अहिरवार प्रदेश में एक अलग चमक लाते हैं। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।